तो ज्यादातर आपसे भी ज्यादा इनके बारे में हम सुनते हैं कि आप ज्यादा एक्टिंग करते हैं, क्या सही बात है? सही बात है। थोड़ा थोड़ा खेसारी जी का कॉपी करती रहती है क्योंकि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। मैं अभी उपस्थित हूं सहरसा के सुपरस्टार, समझिए कि आप सुपरस्टार गायिका समझिए, और भोजपुरी मैथिली को इतना आगे बढ़ाने वाले माही मनीषा जी के घर पे है। देख सकते हैं उनका ये फोर व्हीलर है और यहां पे इनका घर है। मैं यहां पे अभी उपस्थित हूं, उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि माही मनीषा जी के जो पिताजी हैं, उनके जो पापा जी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो आइए वीडियो में थोड़ा सा बातचीत कर ले। नमस्ते अंकल जी, आप आनंद रहिए, खुश रहिए, बजरंगबली आयु। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी आप माही मनीषा जी का पापा है, पापा जी हैं। इनसे पहले भी आपसे हम मिले अंकल जी। तो अंकल जी कैसा आपको महसूस हो रहा, आपकी जो है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। माही मनीषा जी मतलब बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर रही है, पवन सिंह, खेसारी लाल, बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। तो हमको बहुत सारा रिकमेंड आया कि आप माही मनीषा जी के घर पे जाएं और उनसे बातचीत करें और हम लोग को भी कुछ बताएं उनके बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आए हैं अंकल जी आज। जी। तो अभी हम लोग उनसे भी बात करेंगे। चाहूंगा कि कैमरामैन से एक बार यहां से उनके घर दिखाने की कोशिश करेंगे इस लगातार इस वीडियो में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अमित फॉर यू पे। दोस्तों बता दूं कि ये माही मनीषा जी का फोर व्हीलर है और ये है माही मनीषा जी का भाई। नमस्ते भैया आपका। नमस्ते नमस्ते भैया, कैसा, क्या हाल चाल भैया? ठीक है भैया। तो भैया मतलब माही मनीषा जी अभी कहाँ पे है? अभी घर पे ही है। तो आप भी मतलब उसके साथ रहते हैं, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम सब जाते हैं, तो कैसा लग रहा है भैया मतलब बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करते हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा कैमरा मैन में थोड़ा हमारे बारे में कुछ बताइए, यूट्यूब चैनल अमित फॉर यू के बारे में भैया। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत अच्छा भैया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ वीडियो में चाहूंगा बने रहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं माही मनीषा जी के घर पे हैं और ये है माही जी और ये है मनीषा जी, दोनों से भी बातचीत करेंगे वीडियो में। चाहूंगा कि बने रहिए। नमस्ते आप लोग का। नमस्ते सबको। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं अभी? बहुत अच्छे, आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है। तो कब आए हैं घर, आपके पास अभी आए हैं? हो गया दो दिन, हो गया दो तीन दिन। इससे पहले आपका कहाँ पे प्रोग्राम था? अभी सो मेरा पटना में ही था। हाँ पटना में, अब किस जगह था तो मेरे को तो उतना याद रहता नहीं है, तो पटना में ही मेरा। तो माही मनीषा जी मैं चाहूँगा कि आप लोग इतने बड़े स्टार बन चुके हैं जो कि बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर चुके हैं, जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह और भी बहुत सारे एक्टर के साथ काम कर चुके हैं, और कैसा महसूस होता है आपको जब उन लोगों के साथ आप काम करते हैं? तो मम्मी पापा को अच्छा महसूस होना चाहिए, मुझे भी अच्छा महसूस। महसूस तो अच्छा होता है, लेकिन स्टार मैं नहीं हूँ, स्टार मैं अपने फैंस को मानती हूँ, वही उन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक हूँ। तो मैं खुद को स्टार नहीं मानती हूँ, मेरे फैंस लोग स्टार हैं। फैंस है तो हम स्टार हैं, फैंस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये। बिल्कुल सही। तो जैसे कि मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन में कैसे आए हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे सिंगिंग को लेकर या डांसिंग को लेकर या एक्टिंग को लेकर, मतलब कैसे आए हैं आप दोनों? मैं आई थी, मैं गई थी जैसे कि सॉन्ग को लेके, हाँ तो मेरे को ज़्यादा सॉन्ग में ज़्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन ज़्यादा डांसिंग में ज़्यादा प्यार मिला। तो मैं दोनों चीज़ करती हूँ, सॉन्ग भी गाती हूँ और डांस भी करती हूँ। आप दोनों स्टार्टिंग से ही शुरू में ही हैं। हाँ। आपका वीडियो कौन बनाता है? आप दोनों तो रहते हैं वीडियो में, आपका वीडियो कौन बनाता है, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं? किसी को मैं पकड़ के रखा खड़ा कर देती हूँ, जो बाबू मेरा थोड़ा पकड़ दो मोबाइल को, फ़ोन को पकड़ के रखेगा, मैं बता दूंगी, ऐसे हिलना उलना मत। हाँ। के सिर्फ पकड़ के वो लोग रहता है, हम लोग वीडियो। और आप किसी के भी गाने पर इतना अच्छा डांस करते हैं, और आपका खुद भी बहुत सारा गाना आ चुका है, मतलब कौन सा आपका गाना आया था? बहुत सारा सॉन्ग है, जैसे हिट मेरा सॉन्ग है हमसे रोटी ना बिलाई, थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? नहीं हर के भारे हई, पापा के प्यारे हई, माई के दुलारे हई हो, नहीं हर के प्यारे हई, माई के दुलारे हई, पापा के प्यारे हई हो, हमसे रोटी ना बेलाई सासू जी, हमसे रोटी ना बेलाई सासू जी। वाह बहुत अच्छा, जो कि काफ़ी ज़्यादा YouTube पे आपका ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के साथ गया था। आप भी कोई गाना गाए हैं? नहीं, आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं। तो ज्यादातर आपसे भी ज्यादा इनके बारे में हम सुनते हैं कि आप ज्यादा एक्टिंग करते हैं, क्या सही बात है? सही बात है। थोड़ा थोड़ा खेसारी जी का कॉपी करती रहती है क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं ना, तो आपसे ज्यादा इनके बारे में बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने अपने फैंस लोग को?
बहुत सारा धन्यवाद कि इतना सारा प्यार दिया आप लोग कि आज हम लोग के घर पे ये सब आए इतना प्यार लेके। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप लोग इस लाइन में हैं काफ़ी दिनों से, लगभग कितने दिनों से? 7 साल से। 7-8 साल से हैं। तो आप सिर्फ अभी गाना वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, और आगे क्या सोचे फिल्म को लेकर? कोई फिल्म आपका बना है अभी तक? जी अंदाज मूवी में एक छोटा सा रोल है, आइटम सॉन्ग है, देखिएगा आप लोग प्यार। अंदाज मूवी अभी तो रिलीज नहीं हुआ शायद? नहीं हुआ, होली तक में। हाँ, तो जैसे कि माही मनीषा जी का एक फिल्म भी शूटिंग हो चुका है जो कि खेसारी लाल जी के साथ है, और उसमें बहुत अच्छा रोल की है दोनों बहनें, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा। बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा यूट्यूब पे अंदाज मूवी, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और इसी के साथ जाते जाते कुछ पूछना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, तो कुछ बोल दीजिए तो बहुत अच्छा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल प्यार। तो आप भी कुछ बोल दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अमित एफोरियो के बारे में। अमित एफोरियो के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, इन्होंने इतना प्यार लेके यहाँ तक आए हैं, बहुत दूर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो बनता है थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए, जैसे माई मनीषा के। तो इसी के साथ कैमरामैन ऋत्विक राज जी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।